का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार, बलिहार बाबा, हम तुम पर बलिहार, एक तुमसे ही सुनूं, कानों से सुनूं तो बाबा, एक तुमसे ही सुनूं, तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम पे ही दिल बलिहार, तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम पे ही दिल बलिहार, हो कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार, हम
हमको क्या फिकर, हम तो तुम्हारे हैं बाबा हमको क्या फिकर, हम तो बने रहेंगे सदा, हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का, हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का। बलिहार बाबा तुम हम पर बलिहार, हम तुम पर बलिहार बाबा तुम हम पर बलिहार, ओ बाबा ओ प्यारे
हम तपस्वी राजयोगी ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का विशेष कर्तव्य है त्रिमूर्ति पिता शिव की हम रचना दत्तात्रेय अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर है व मैं ब्रह्मा बाप के साथ विशेष स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त सहयोगी ब्रह्मा कुमार हूं। मैं त्रिमूर्ति शिव की रचना दत्तात्रेय अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर हूं। ब्रह्मा बाप के समान उनके कार्य को आगे बढ़ाने वाला पिता परमात्मा शिव ने मुझे नव सृष्टि के निर्माण कार्य प्रति सेवा अर्थ चुना है। परमात्म आदेश अनुसार ब्रह्मा स्वरूप द्वारा मैं दिव्य गुणों ईश्वरीय धारणाओं व देवताई कलाओं का स्वरूप बन स्थापना के कार्य में मददगार रहने का कर्तव्य कर रहा हूं। मुझ आत्मा में सृष्टि आदि अर्थात सत्युग के समय सर्व दिव्य गुणों व सर्व शक्तियों की संपूर्ण धारणा थी। धीरे धीरे माया रावण रूपी विकारों की प्रवेशता होने के कारण मुझ में वो परमात्मा शक्तियां व दैवी गुण मर्ज होते रहे। वह विकारों बुराइयों वो संस्कारों आदि की प्रवेशता होने लगी। के कारण मैंने अपने सर्व दैवी गुणों व कलाओं को खो दिया। और विकारों में फंसकर
विकर्म करने लगी। वह दुख, कष्ट, दारुण पीड़ा आदि के शिकार हो पड़ी। परम पिता परमात्मा ने मुझे दिव्य ज्ञान चक्षु देकर त्रिकालदर्शी बनाकर मुझे मेरे अवगुणों से परिचित कराया। वह मुझे त्रिमूर्ति स्वरूप देकर शंकर स्वरूप द्वारा मेरे 63 जन्मों के विकर्मों के खातों को योगबल से चुप्त करने का सहज रास्ता दिखाया। मुझे तपस्वी शंकर की भांति सदा एक परमात्मा पिता निराकार शिव की ही याद में रहने का कल्याणकारी आदेश दिया। शंकर स्वरूप द्वारा मैं परम पिता परमात्मा शिव की याद में एक रस अचल अखंड स्वरूप में स्थित रहकर अपने 63 जन्मों के विकर्मों को भस्म कर रहा हूं। एक परम पिता परमात्मा शिव की निरंतर याद मेरे विकर्मों को अति सहज ही भस्म कर रही है। मेरे विकर्म भस्म होने से मैं आत्मा स्वयं को अत्यंत हल्का महसूस कर रही हूं। मेरे विकर्म दग्ध हो रहे हैं। मुझ में दिव्य गुणों की स्वतः स्थापना होती जा रही है।
साथ ही साथ मुझे अपने कल्प कल्प के यादगार नीलकंठ स्वरूप द्वारा अन्य आत्माओं के आसुरी कुसंस्कारों रूपी विष को भी गले में धारण करना है, अर्थात लानी, निंदा, अपमान, बुराई, छल कपट से परिपूर्ण बातों के वायुमंडल के बीच रहते भी स्वयं को सब बातों रूपी जहर से सुरक्षित रखना है। इस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर समस्त मानव जाति को भी इसके कुप्रभाव से सुरक्षित रखना है। शंकर स्वरूप द्वारा मेरा यही कर्तव्य है कि मैं सदा एक बाप की निरंतर याद में रहकर विकारों और बुराइयों कुरीतियों का नाश करूं। मेरे तीसरे स्वरूप अर्थात संपूर्ण चतुर्भुज विष्णु स्वरूप द्वारा मुझे दिव्य गुणों, ईश्वरीय धारणाओं व सर्व कलाओं के साथ साथ ईश्वरीय परिवार को भी प्रेम, सौहार्द, ज्ञान युक्त स्नेह व योगयुक्त आत्मिक प्रेम के द्वारा पालना का महान कर्तव्य करना है। ये मेरा ईश्वरीय परिवार है। इस पावरफुल स्मृति द्वारा मैं इस परिवार को अखंड व निर्विघ्न बनाने की सेवा भी निरंतर कर रहा हूं। साथ साथ स्वयं में आत्मसात होते दैवी गुणों व ईश्वरीय धारणाओं को भी अविनाशी बना रहा हूं। ये गुण इसी जीवन में मेरे अविनाशी संस्कार बनते जा रहे हैं।
इसी प्रकार परमात्मा बाप द्वारा प्रदान की गई सर्व शक्तियों को भी अविनाशी संस्कार के रूप में स्वयं में धारण कर रहा हूं। ये तीनों ही स्वरूप जब मेरे द्वारा स्पष्ट झलकेंगे तभी मैं वास्तव में त्रिमूर्ति शिव की रचना दत्तात्रेय को प्रत्यक्ष कर सकता। मैं ब्रह्मा बाप समान स्थापना पालना और स्वयं के पुराने विकारी संस्कारों को भस्म करने वाला त्रिमूर्ति दत्तात्रेय जाता हूं सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप के बिल्कुल पास में अपने फरिश्ते चोले में मैं फरिश्ता अपने हाथों में भूख की थाल लिए बड़े प्यार से बाप दादा के लिए भूख की किट्टी तैयार कर उन्हें स्वीकार कराता हूं। धन्य है मेरा भाग्य जो रोज मुझे परमात्मा को भोग स्वीकार कराने का इतना श्रेष्ठ लक प्राप्त हुआ है। बाप दादा मेरे हाथों से भोग स्वीकार कर रहे मैं बाबा को खिलाता हूं और बाबा मुझे बाप दादा को भूख स्वीकार कराकर अब मैं फरिश्ता बहुत ज्यादा हूं
परम धाम में। बिंदी बन बिंदी बाप के पास में, और कुछ समय के लिए डीप साइलेंस में ज्वालामुखी योग द्वारा अपने विकर्मों को दग्ध होता हुआ अनुभव कर रहा हूं। इस ज्वालामुखी युग अग्नि में मैं आत्मा अपने विकर्मों को दग्ध करके परम धाम से नीचे जाता हूं सूक्ष्म वतन में, अपने फरिश्ते चोले को धारण बाप दादा के हाथों में हाथ लिए मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन से नीचे पहुंच जाता हूं साकारी दुनिया में, साकारी रथ में, अपने हाथों में जल ले लें चार्जिंग करने के, महसूस करें बाप दादा की शक्तिशाली किरणों का प्रवाह इस जल पर होता हुआ, और ये जल परमात्म शक्तियों से पूर्णतः पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो चुका है, जिसे ग्रहण करने एक सदस्य पूर्णतः स्वस्थ है, सुख शांति और आनंद से परिपूर्ण है,
परिवार में सामंजस्य और आपसी स्नेह का वातावरण है। हर कोई एक दूसरे को दिल से रिगार्ड और रिस्पेक्ट दे, स्वीकार करते हुए शुभ भावना और शुभकामना से संपन्न है। ईश्वरीय परिवार दैवी परिवार है। सभी परमात्म संतान परमात्म कार्य में सहयोगी है। जल परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है।